नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको धर्मेंद्र यादव यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के पैसे अपने कैसे बैंक अकाउंट में ले सकते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि मैं इस वीडियो में बनाया हुआ था इससे पहले कि मैं TMW में पैसा कुछ फंसा हुआ था। तो दोस्तों, मैं अभी दिखाऊंगा कि कुछ पैसा जो है मेरा TMW में फंसा हुआ था, लेकिन अभी जो ये वर्चुअल डेबिट कार्ड है फिर से काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले एक नेटवर्क पर बंद कर दिया गया, एक कि बहुत सारे नेटवर्क बंद हुआ था, बट अभी जो है शुरू हो चुका है। दोस्तों, अभी आप देख पाएंगे ये मैं वर्चुअल डेबिट कार्ड की मदद से मैं अपना TMW का पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आ गया हूँ अभी भीम SBI में। तो चलो, इधर मैं लॉगिन कर लिया हूँ पहले। दोस्तों, लॉगिन करने के बाद आप देख पाएंगे कि हमारे अकाउंट में अभी 0.61 पैसा है, बट अभी जो मेरा TMW में जो अकाउंट में आप देखे थे कि 4600 रुपया है, वो 4600 रुपया को हम इधर उठा के ले आते हैं, जो कि अभी वो TMW का जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है इधर एक्सेप्ट करता है। तो चलो, मैं सबसे पहले देख लेते हैं TMW वॉलेट का एक्सपायरी जो क्या है, CVV कोड सब। तो दोस्तों, मैं फाइनली जो मैं देख लिया हूँ, अभी 4652 रुपया है मेरे अकाउंट में, 4652 रुपया मैं डाल दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों, इधर आप देखें कार्ड नंबर और CVV कोड हमको फिल करना पड़ेगा। चलो, हम इधर पेस्ट कर दिए हैं कार्ड नंबर, और उसके बाद हमको नाम जो है कार्ड पे वो कार्ड का नाम डाल दिए, उस पर एक्सपायरी डेट और जो CVV कोड होता है वो हमको फिल करना पड़ेगा। चलो, हम ये सब फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम फिल किए उसके बाद हम लोड मनी पर क्लिक कर दिए हैं। तो दोस्तों, ये आप देखेंगे जो मेरा प्रोसेस है प्रोसेसिंग में जा चुका है। तो अभी हमको ये वेट करना पड़ेगा, जो कि OTP के थ्रू ये मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। तो दोस्तों, आप देखेंगे फाइनली मेरे OTP का जो ऑप्शन आ चुका है, इंटर योर OTP, तो हम OTP के इंतजार कर लेते हैं, जो कि हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये ट्रांजैक्शन जो OTP के थ्रू ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने वाला है। तो दोस्तों, आप देख पाएंगे कि हमारे मोबाइल के ऊपर एक OTP आ चुका है। चलो, OTP फिल कर देते हैं। दोस्तों, जैसे OTP फिल हुआ तो उस पर हम सबमिट पर क्लिक कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये जो पेमेंट है मेरा फाइनली जो है प्रोसेस में जा चुका है। तो दोस्तों, उसके बाद देखें मेरा पेमेंट भी सक्सेसफुल हो चुका है, कि जो TMW का जो पैसा है हमारा उठ के आ चुका है भीम SBI वॉलेट में। तो दोस्तों, जैसे भीम SBI में आ गया, तो अभी तो हमको आसानी होगा कि अभी जो पैसा ये मेरा है आराम से बैंक अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारा इस पे टिप्स है कि और भीम SBI का जो है वर्चुअल डेबिट काम भी करता है। तो दोस्तों, अभी आप देख पाएंगे कि 4652 रुपये हमारे भीम SBI वॉलेट में आ चुका है। तो दोस्तों, अभी भीम SBI जो ये वर्चुअल डेबिट कार्ड है भीम SBI का, ये वर्चुअल डेबिट कार्ड की मदद से हमको चलना है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हम लोग सब जानते भी हैं। चलो, सबसे पहले हम ये अल्ट्रा कैश है, ये अल्ट्रा कैश को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे वो अल्ट्रा कैश हम ओपन करेंगे, तो मैं इस पर भी बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ, अगर आप सब वो नहीं देखें तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अल्ट्रा कैश ओपन करने के बाद आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको फाइनली जो है 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद नीचे में जो आप देखेंगे 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन दिया गया है माई कार्ड एंड अकाउंट का। आपको अकाउंट में अगर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भीम SBI का ऐड करना है, तो आपको आना है माई कार्ड एंड अकाउंट में। और जैसे आप माई कार्ड एंड अकाउंट पर आएंगे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा। जैसे शो हो जाएगा, तो आप देखेंगे नीचे में अब एक ऐड का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, इसके बाद आप भी देखेंगे इधर कार्ड नंबर का ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग अपना भीम SBI का जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो इधर उसका नंबर इधर आपको फिल कर देना है, जो कि आसानी से फिल हो जाता है, क्योंकि मैं अभी आपको सामने ही करो। इधर आप देख पाएंगे ये जो मेरा भीम SBI का जो वॉलेट का जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है, इसको मैं कॉपी कर लिया हूँ। दोस्तों, कॉपी करने के बाद जो हमको डायरेक्ट इधर इसमें हम पेस्ट कर दिए, उसके बाद हमको एक्सपायरी डेट में फिल किया। उसके बाद दोस्तों, आप देख पाएंगे यस बैंक में फिल करने के बाद डेबिट कार्ड पर क्लिक कर दिया हूँ, क्योंकि ये मेरा डेबिट कार्ड है। उसके बाद दोस्तों, डेबिट कार्ड पर क्लिक करने के बाद आपको एड पे कर देना है। जेड पे क्लिक करें तो कुछ इस वर्ग इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, आपका फाइनली जो है अकाउंट में ये वर्चुअल डेबिट कार्ड एड हो गया। एड होने के बाद दोस्तों को सेंड मनी पे क्लिक कर देना है। सेंड मनी पे क्लिक करने के बाद आप दोस्तों आपको इधर एक मोबाइल नंबर डालना है, जो कि आपको उस पर अकाउंट एक होना चाहिए, या नहीं रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि मोबाइल नंबर डालना जरूरी है। दोस्तों, मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों अभी देखेंगे मेरा अकाउंट ऑलरेडी सेव था। चलो, अभी यूनियन बैंक का सिलेक्ट कर लिया हूँ। दोस्तों, अभी मैं यूनियन बैंक का सिलेक्ट करने के बाद हमको अभी इस पर अमाउंट जो है, चलो हम 500 रुपये इधर डाल देते हैं। दोस्तों, मैं बता दूँ कि इसमें कुछ चार्ज लगने वाला है आप सबको। पहले मैं बता दूँ कि इसमें 1.2% के हिसाब से चार्ज लगता है। अगर आप 1 रुपया भी ट्रांसफर करेंगे तो भी आपको चार्ज भरना ही पड़ेगा। दोस्तों, इसमें अपना CVV कोड पे डाल देता हूँ।
तो दोस्तों मैं जो इधर आप देखेंगे सीवीवी कोड और पे के जो ऑप्शन है, तो सबसे पहले इधर हमको सीवीवी कोड डालना पड़ेगा। दोस्तों मैं सीवीवी कोड डाल चुका हूँ और उसके बाद दोस्तों मैं पे का जो ऑप्शन है आप देख पाएंगे, ये पे पे हमको क्लिक करना पड़ेगा। चलो हम पे पे क्लिक करते हैं। दोस्तों आप देख पाएंगे अभी हमको 4-6 रुपया भरना पड़ रहा है, क्योंकि 500 रुपया जो मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ तो उसका चार्ज जो हमको 6 रुपया लग रहा है। तो दोस्तों अगर 1,000 आप ट्रांसफर करेंगे तो आपको 12 रुपया टोटल चार्ज लग जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग क्रेडिट कार्ड का पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं कंफर्म पर क्लिक कर देता हूं। तो दोस्तों जैसे हम कंफर्म पर क्लिक किए तो हमारे सामने एक फिर से ओटीपी का एक ऑप्शन आ जाएगा, जो कि अभी भीम एसपी की तरफ से आएगा। और भीम एसपी के जो मेरा वर्चुअल अभी इधर देखें वर्चुअल डेबिट कार्ड जो मैं इस पर एंट्री किया था उस पर दोस्तों अभी देख पाएंगे मेरे भीम एसपी की तरफ से एक ओटीपी आ गया है, जो कि ओटीपी हमको इधर फिल करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जैसे हम सबमिट पर क्लिक किए हैं तो दोस्तों अभी आप देखेंगे अल्ट्रा कैश में जी डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा। चलो मैं वेट कर लेते। दोस्तों अभी जो पे इससे पहले एक स्टेटस आता था कि इनवैलिड का, बट अभी आप देखेंगे सक्सेसफुल का डायरेक्ट ऑप्शन आता है, ये भी एक अपडेट कर दिया गया है। दोस्तों अभी देखेंगे फाइनली जो मेरा यस पे की तरफ से एक मैसेज आया है कि आपको 506 रुपया आपको भीम यस पे वॉलेट से कट गया है, और आप इधर देख पाएंगे कि मनी ट्रांसफर सक्सेसफुल हो चुका है। तो दोस्तों इधर आप देखेंगे अल्ट्रा कैश की तरफ से हमको एक मैसेज दिखाया जा रहा है कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, और भीम यस पे ऊपर में देखेंगे यस बैंक का जो ऑप्शन दिया गया है उधर हमको 506 रुपया डेबिट कर दिया गया है, वो हमको ऑप्शन शो हो रहा है। तो दोस्तों फाइनली जो हमको मालूम पड़ गया कि ये मेरा पैसा क्रेडिट हमारे बैंक अकाउंट में हो गया। चलो अब भीम यस पे वॉलेट में आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि अभी डेबिट इस तो हुआ तो इसमें से डेबिट हुआ है भीम एस पी वॉलेट में कि नहीं। दोस्तों अभी आप ऊपर हम देख पाएंगे मेरा यूनियन बैंक में 500 रुपया क्रेडिट अभी हो गया है। तो अभी क्योंकि इंस्टेंट में आपको क्रेडिट भी हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप अल्ट्रा कैसे ट्रांसफर करते हैं अपने बैंक अकाउंट में तो इंस्टेंट में आपका अकाउंट में सेटलमेंट हो जाता है। तो दोस्तों अभी आप देख पाएंगे जो कि हमारे अकाउंट में 500 रुपया अभी का भी क्रेडिट हो गया है 5 तारीख को। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग क्रेडिट कार्ड का पैसा भी अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, कुछ चार्ज भरना पड़ता है, बट ये सबसे बेटर आइडिया है आप लोग क्रेडिट कार्ड का पैसा ट्रांसफर करने के लिए। दोस्तों अभी आप देख पाएंगे हमारे अकाउंट में 4146 रुपया है, क्योंकि इससे पहले हमारे अकाउंट में 4652 रुपया था, बट अभी हमारे अकाउंट में 500 रुपया जो मैं डेबिट किया हूँ इसके लिए हमारे अकाउंट में अभी फाइनली इधर भी मेरा अपडेट हो चुका है कि आसानी से मैं अपना पैसा भी ट्रांसफर कर लिया हूँ। तो दोस्तों अगर आप सब इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आप सबको नया नया वीडियो को सबसे पहले देखना है तो हमारे टेलीग्राम पे आज के जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं सबसे पहले वीडियो कोई भी जो मैं डालता हूँ अपने टेलीग्राम पर सबसे पहले डालता हूँ। तो आप लोग सबसे पहले टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, जो कि टेलीग्राम का मैं लिंक जो है टेलीग्राम का वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन हो जाइए और सबसे पहले आप लोग वीडियो देखिए और इधर डिस्कस भी कर सकते हैं। अगर आप सबका कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, अगर कोई बैंक या सॉरी कोई वॉलेट में अगर प्रॉब्लम हो गया है तो आप वॉलेट का स्क्रीनशॉट भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं आप सबको जरूर सहायता करूंगा। तो दोस्तों अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर ऐसे लेटेस्ट ट्रिक आप सबके लिए मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, हमको दीजिए जाने की इजाज़त, धन्यवाद।